महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सभी दलों में मंथन तेज है। शपथ ग्रहण के बाद शिंदे कैबिनेट की आज पहली बैठक है। अजीत पवार ने नया दफ्तर खोला है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की भी अलग अलग बैठकें आज होंगी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उबाल है और इसकी वजह एनसीपी नेता अजीत पवार हैं, जो 8 विधायकों के साथ शिवसेना शिंदे गुट बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल हुए हैं। अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ भी ली। शपथ लेने वाले विधायकों में एनसीपी नेता छगन भुजबल भी शामिल हैं। इस दौरान राजभवन में इस मौके पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए प्रफुल्ल पटेल भी थे। बताया जा रहा है कि राजभवन में जो समर्थन पत्र जमा किया गया है उसमें अजीत पवार ने अपने पास 40 एमएलए बताए हैं। पार्टी में इस बगावत के बाद शरद पवार एक्शन में हैं। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया। सितंबर 2022 में पार्टी का नेशनल एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में के बाद पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये पोस्ट पहले नहीं थी, मुझे नियुक्त किया गया था और उस अधिकार के अंतर्गत मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहां पर आप सभी के सामने देने वाला हूं। इस सियासी उलटफेर के बाद अब एनसीपी पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि अजीत गुट ही एनसीपी है। इतना ही नहीं, अजीत पवार गुट ने शरद पवार के करीबियों को पद से भी हटा दिया। जयंत पाटिल को हटाकर सांसद सुनील तटकरे को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पुढ़ही आम्ही महाराष्ट्राच्या भल्या करता काम करत राहणार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बळकटीकरणाकरता काम करत राहणार आणि तसंच देश पातळीवर जे नरेंद्र मोदी साहेबांचं नेतृत्व आहे त्या नेतृत्वाखाली देश जो आगेकूच करतोय त्याचाही पाठिंबा देत त्या गोष्टीला त्याच्यामध्ये त्या केंद्राचा फायदा देखील राज्याच्या विविध विकास कामांच्या करता जो निधी लागतो, परवानग्या लागतात, इतर काही गोष्टी लागतात। शिवसेना के बाद अब एनसीपी, ये बगावत उस समय हुई है जब बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर बैठकें हो रही हैं। लेकिन इस बगावत के बाद बीजेपी और भी मजबूत होती नजर आ रही है। अब देखना है कि इस बगावत के बाद सियासत क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सोमवार को शरद पवार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। आगे शरद पवार और क्या एक्शन लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। खास रिपोर्ट देखिए। एनसीपी में टूट, शरद पवार खेमे में हड़कंप। शरद पवार आगे क्या करेंगे? शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से बनेगी बात। एनसीपी में दो फाड़ के बाद सवाल है कि शरद पवार के पास पार्टी को बचाने के लिए क्या विकल्प हैं? क्या एनसीपी पूरी तरह से अजीत पवार की हो जाएगी या शरद पवार के शक्ति प्रदर्शन से एनसीपी का सियासी संकट खत्म हो जाएगा? पार्टी में टूट के बाद शरद पवार ने तो यहां तक कह दिया है कि पार्टी में विधायकों की टूट टूट नहीं, चोरी नहीं, डकैती है। वैसे एनसीपी ने विधानसभा स्पीकर से 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। क्वालिफिकेशन पिटीशन हमने भेजा है और व्हाट्सएप पे भी मैंने उनको कॉपी भेजी है डिस्क्वालिफिकेशन की। फिजिकली भी उनको डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस, डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा पिटीशन फिजिकली भी पहुंचाने की व्यवस्था हमने अभी की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लेटर लिखे ये कहा है कि हमारे इसमें 9 लोगों ने ऐसा ऐसा किया है।
एनसीपी नेता अजीत पवार के बगावत के बाद एनसीपी में सियासी भूचाल आ गया। अजीत पवार ने रविवार को कई विधायकों के साथ बगावत कर ली और एनडीए में शामिल हो गए। एनसीपी ने इसे बीजेपी की साजिश बताया और बीजेपी पर एनसीपी को तोड़ने का आरोप लगाया। पार्टी का विषय नहीं है, एक विचार सरणी का विषय है। बीजेपी का हर वक्त प्रयास यही होता है कि आगे जो कंपटीशन है वो कंपटीशन को कहीं ना कहीं तो खत्म करनी चाहिए। उधर खबर है कि अजीत पवार ने दावा कर दिया है कि उनके साथ एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि एनसीपी में बड़ी फूट से पार्टी में खलबली मच गई। उधर कानून के कई जानकार एनसीपी में पड़ी फूट को पिछले साल शिवसेना में जैसा हुआ उससे तुलना कर रहे हैं। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हो गए थे और देखते ही देखते महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिवसेना पर पूरी तरह से एकनाथ शिंदे का कब्जा हो गया। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है, जबकि अजीत पवार के बगावत के बाद एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सूले ने तंज कसा है। अभी देखते, आज ही तो हुआ है भैया, बच्चा अभी तो पैदा हुआ है, कि थोड़ा सांस तो लेने दो, देखते आगे आगे क्या होता है। जबकि महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले कई विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है, पहले शिवसेना और अब एनसीपी में फूट का फायदा बीजेपी को हो सकता है। अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत पर अच्छी पकड़ रखते हैं, जबकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट मिलकर विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं।